नमस्कार। चलिए तो सुबह की कुछ खास खबरों पर नजर डाल लेते हैं। दिल्ली के रोहिणी से लॉरेंस विश्नोई काला राणा गैंग का शार्प शूटर प्रदीप हुआ गिरफ्तार। भारत से चुनाव आयोग के 3 सदस्य पहुंचे ढाका, 7 जनवरी को होने वाले चुनावों का करेंगे निरीक्षण। ईडी ने टीएमसी नेता शंकर आध्या को किया गिरफ्तार। राशन घोटाले से जुड़ा है पूरा मामला। राजस्थान के जोधपुर में भोपाल पैसेंजर ट्रेन के 2 डिब्बे पटरी से उतरे, बचाव कार्य जारी। अमित शाह पर टिप्पणी मामले में आज सुल्तानपुर की पीएम एमएलए कोर्ट में पेश हो सकते हैं राहुल गांधी। जाने पूरा मामला क्या है। लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल आज से 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर करेंगे लोगों को संबोधित। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज होगी सुनवाई। जोधपुर में भोपाल ट्रेन के 2 डिब्बे कोटा जंक्शन के पास डिरेल, रेस्क्यू ऑपरेशन है जारी। महाराष्ट्र में शुक्रवार को कोरोना के 146 नए केस, JN.1 वेरिएंट का नहीं मिला कोई भी मरीज। बेंगलुरु में एक शख्स मेट्रो के आगे कूदा, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। गृह मंत्री अमित शाह पुंछ हमले के बाद पहली बार 9 जनवरी को जम्मू कश्मीर जाएंगे। ऐसे ही खास जानकारी के लिए लगातार बने रहिए डीवी न्यूज के साथ।